लोग मुझे कहते हैं कि दीदी आपने भगवान को देखा है? मैं कहती हूँ हाँ देखा है, रोज देखती हूँ, दिन भर देखती हूँ। तो बोलते हैं कहाँ देखते, हमको भी दिखाइए। मैंने कहा जिस दिन मेरे जैसी आंखें हो जाएंगी आपको भी भगवान दिखने लगेंगे। यहाँ जितने लोग बैठे मुझे सब तो भगवान का ही स्वरूप दिखाई दे रहे हैं। हर एक मूर्ति, हर एक स्वरूप कान्हा का दिखाई देता है। हाँ, सब में परमात्मा विराजमान। अब ऐसा थोड़ी कि भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेके हमारे सामने आ जाएंगे और कहेंगे मांगो क्या वरदान मांगना है। ऐसा नहीं है। भगवान को देखने के लिए अंदर के प्रज्ञा चक्षु जागने चाहिए। तो भगवान से बस कोई ना कोई रिश्ता बनाइए और उनके साथ एकदम बहुत अच्छे से रहिए। बच्चों को भी संस्कार दीजिए कि देखो भगवान है, इनके साथ थोड़ी देर बैठना है, मंदिर जाने, स्कूल जाने से पहले भगवान को प्रणाम कराना सिखाइए। अपने घर में बच्चों को छोटी छोटी कहानियां सुनाइए। बच्चों के कमरों में कार्टून की जगह हमारे महापुरुषों के तस्वीर लगाइए, उनकी फोटो लगाइए, छोटी छोटी कहानियां सुनाइए, उनको ज्ञान उपदेश दीजिए। तो ऐसे काम जब आप करेंगे तो हमारे देश में संस्कार आएगा और आपको कोई भी राह पे, कोई भी मार्ग पे कोई कठिनाई और कोई समस्या नहीं आने वाली।